आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर के क्रिस्पी और चटपटे बॉल्स। इन्हें बनाने में मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये पनीर बॉल्स आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे स्टार्टर में सर्व करें या फिर चाय के साथ सर्व करें, सब में ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने ऐसे क्रम्बल कर लिया है। आप चाहिए तो ग्रेटर से भी पनीर को ग्रेट कर सकते हैं या फिर हाथों से ऐसे क्रश कर लें। फिर हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, गाजर और प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक काट लिया है, गाजर को ऐसे ग्रेट कर लिया है और साथ में शिमला मिर्च को भी बारीक काटा है। आप चाहिए तो गाजर को बारीक काट सकते हैं। तो यहाँ पे गाजर, प्याज और शिमला मिर्च डाल दिया मैंने। अब हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दें। इसके साथ हम थोड़ा सा ऑरिगैनो डाल दें, तो आधी छोटी चम्मच ऑरिगैनो डाल दें। और साथ में ही यहाँ पे नींबू का रस डाल देंगे, तो एक छोटा चम्मच नींबू का रस डाल दें। इसके बाद हम इसमें 1/3 कप चावल का आटा डाल देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मिला लिया है। अब ऐसे बॉल्स बना के देख ले कि ये बन रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बॉल्स अच्छे से बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेट रखा है मैंने और ये जो पनीर के बॉल्स है वो हम बना लेंगे। तो इसे बॉल्स बनाने के लिए ऐसे मुट्ठी में ये थोड़ा सा मिक्सचर ले लें, उसके बाद इसे प्रेस करें। प्रेस करने से ये खुद ही ऐसे बॉल शेप में आ जाएगा। इसे अच्छे से प्रेस करें ताकि ये बॉल जो है वो फ्राई करते वक्त खुले नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक पनीर का बॉल बना लिया है। सेम प्रोसेस से बाकी मिक्सचर के हम पनीर बॉल्स बना लेंगे। तो इसे ऐसे पहले प्रेस करके राउंड शेप में ले आए, उसके बाद हथेलियों के बीच में रख के ऐसे रोल कर लें। तो ये हमारा दूसरा पनीर बॉल भी रेडी हो चुका है। सेम प्रोसेस से बाकी मिक्सचर का आप ऐसे बॉल्स बना लें। आप चाहिए तो ये पनीर बॉल्स बना के फ्रिज में रख दें और जब आपको खाना है तब आप गर्मा गर्म फ्राई करें। तो अब हम चलते हैं इन्हें तलने के प्रोसेस में। तो मैंने तेल गर्म करके रखा है। तो यहाँ पे तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और अब हम इसमें पनीर बॉल्स फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पे हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये तुरंत ब्राउन हो जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और जैसे हम पकौड़े तलते हैं ना वैसे ही पलट पलट के इन्हें सुनहरा होने तक या फिर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम इसे ऐसे पलटते रहेंगे और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इसका जो कलर है वो पहले से चेंज हो गया है, ये देखिए। तो बस इसे ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना है, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो आप चाहिए तो इसे पेपर किचन टॉवल के ऊपर निकालें या फिर ऐसे स्ट्रेनर पे निकाल लें। स्ट्रेनर पे ये क्रिस्पी रहते हैं, पेपर किचन टॉवल पे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पनीर बॉल्स मैंने निकाल लिया है। सेम प्रोसेस से ये बाकी के जो पनीर बॉल्स है इसे भी तल लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और इसे ऐसे हल्के हाथों पलटते रहें और जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाए तब तक आप इसे फ्राई करें। तो ये हमारा दूसरा बैच जो है वो भी फ्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो है ना इसे आसान बनाना, बस पनीर को क्रश कर लेना है, उसमें प्याज वगैरह डाल देना है और उसके बाद ऐसे बॉल्स बना के इन्हें तल लेना है। तो ये हमारे पनीर बॉल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आप इसे तीखी हरी चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व करें। बच्चों को ये पनीर बॉल्स बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी स्टार्टर में या फिर ऐसे चाय के साथ दें तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो ये हमारे मज़ेदार और कुरकुरे पनीर बॉल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। हमने इसमें जो चावल का आटा डाला है उसकी वजह से ये ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे और पनीर की वजह से ये अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। तो आप इस पनीर बॉल्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये पनीर बॉल्स आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब इसमें से एक पनीर बॉल मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। तो ये देखिए, ऊपर से एकदम परफेक्ट क्रंची दिख रहा है और अंदर से एकदम सॉफ्ट दिख रहा है। तो है ना मज़ेदार। तो आप इस पनीर बॉल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।